नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइट टॉप 5 बुलेटिन में मैं श्रेयोशी मुखर्जी आपका स्वागत करती हूं। नजर डालते हैं आज की इन अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने तीसरी बार समन जारी कर 9 सितंबर को मतलब आज पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री आज ईडी के दफ्तर नहीं जा सके। मुख्यमंत्री G20 समिट के डिनर पार्टी के लिए मिले आमंत्रण पर दिल्ली रवाना हो गए। हेमंत सोरेन के साथ उनके पिता और झामुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन भी गए हैं। वहीं एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय से चिट्ठी ईडी के दफ्तर भेजा गया है। चिट्ठी में क्या है फिलहाल बताना मुश्किल है, लेकिन ईडी के तीसरे समन में भी उसी डाकिये के द्वारा ईडी के दफ्तर पत्र सीएमओ से भेजा गया है। डुमरी उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी की जीत पर बीजेपी ने भी बधाई दी है। बेबी देवी की जीत पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव ने कहा कि पूरे झामुमो परिवार को जीत के लिए बधाई। उन्होंने कहा कि डुमरी उपचुनाव में एनडीए के लिए भी बहुत पॉजिटिव आउटकम थे। इस चुनाव में पिछले चुनाव में जहां झामुमो ने 36,000 के आंकड़े से चुनाव जीता था, वहीं इस चुनाव में उनकी जीत का आंकड़ा आधे से भी कम हो गया है। बहरहाल मुख्यमंत्री जी और उनके पार्टी को फिर से जीत की बधाई, लेकिन हमारे लिए इस हार में भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। डुमरी उपचुनाव में मिले जनादेश को लेकर आजसू पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से संवाद करते हुए आजसू प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि डुमरी के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और एवं जीत के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारा प्यार लगातार जारी रहेगा, जिसका सकारात्मक परिणाम आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग स्थित चितरपुर SBI बैंक के समीप ट्रक और हाईवा की सीधी टक्कर हो गई। बोकारो से रामगढ़ की ओर विपरीत दिशा से आ रही ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर से दोनों गाड़ियों के चालक गाड़ी के अंदर ही फंसे रहे। घटना लगभग आले सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। इधर रजरप्पा थाना प्रभारी हरिनंद सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से चालकों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। इस घटना से दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया है। JS तारापुर स्कूल एग्रीको द्वारा अपने स्कूल के कक्षा 9वीं के छात्र के स्कूल आने पर रोक लगाने के विरुद्ध जमशेदपुर अभिभावक संघ ने आज जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्व सिंह भूम जमशेदपुर को मांग पत्र सौंपा। मौके पर बताया गया कि छात्र रोहन ने 15 अगस्त के दिन स्कूल में होने वाले कार्यक्रम का फोटो लेने हेतु वह अपने माता पिता से छिपकर पिता का मोबाइल फोन स्कूल ले गया था। स्कूल कैंपस में रोहन के हाथ में मोबाइल फोन देख स्कूल के एक टीचर द्वारा रोहन से वह मोबाइल फोन छीनते हुए उसे स्कूल से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा स्कूल में मोबाइल फोन लाने के दंड स्वरूप स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा उनके स्कूल आने पर रोक लगा दिया गया, जब भी अब भी वो जारी है। इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा रोहन के माता पिता से माफीनामा भी लिखवाया गया था। माफीनामा के लेने के बाद भी अब तक छात्र का स्कूल में आना माना है, जबकि रोहन का 10वीं बोर्ड का स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।